नमस्कार साथियों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार भर्ती 2021 के बारे में, और इस भर्ती से संबंधित कुछ साथी बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर, पटवार भर्ती में जो प्रश्नों पर जो याचिका लगाई गई थी उस पर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला कब आएगा, तो इस पर ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस भर्ती से संबंधित हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो याचिका पटवार भर्ती परिणाम पर लगाई गई थी उस पर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला 6 अप्रैल यानी कल इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस पर कल हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है। बात करें प्रश्नों वाली याचिका पर, तो साथियों इस पर हाईकोर्ट में 7 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है। 7 तारीख को इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 7 तारीख को हाईकोर्ट की तरफ से प्रश्नों पर जो याचिका लगाई गई थी उस पर अंतिम फैसला आ सकता है। इसमें याचिका आप देख सकते हैं साथियों, याचिका नंबर आप देखेंगे तो 17-382, 1966, 22-58 और साथ ही में बहुत सी ऐसी याचिकाएं हैं जो प्रश्नों को लेकर लगाई गई हैं चारों शिफ्ट में, तो इन पर भी हाईकोर्ट की तरफ से कल फैसला आने वाला है। तो प्रश्नों पर जो याचिका, जितनी भी याचिकाएं हैं साथियों, उन पर कल हाईकोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आ जाएगा। तो ये एक अपडेट थी पटवार भर्ती को लेकर। अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती से संबंधित हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।